नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो, नेताजी हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं अनिल पांडे। HW24 न्यूज मध्य प्रदेश के नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बयार शुरू हो गई है और अब आम मतदाता क्षेत्र का नागरिक ये देखेगा कि जो सरकारें थी उनने उसके क्षेत्र में कितना विकास किया, जनप्रतिनिधियों ने उन विकास में कितनी रुचि ली। इन्हीं मुद्दों को लेकर इस समय स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ उद्योगपति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कैलाश अग्रवाल। कैलाश जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से विधानसभा चुनावों का वक्त आ गया, नज़दीक आ गया है। हम निमाड़ क्षेत्र को विशेष रूप से लेकर के बात कर रहे हैं। इस समय खरगोन जिला उसमें केंद्र है। इस क्षेत्र में सूत मिल अगर हम देखें औद्योगिक विकास की दृष्टि से, तो सूत मिल के अलावा खरगोन शहर के आसपास कोई उद्योग नहीं रहा। दूसरा निमरानी हम जो देखते हैं, औद्योगिक क्षेत्र एक बनाया गया था, काफ़ी उद्योग वहाँ के बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए हैं। क्या कारण रहे इसके और इनके पीछे अगर हम देखें तो उदासीनता किसकी रही? यह मैं कहना चाहूँगा कि 2004 में जब वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई थी तो इन्होंने बंद उद्योगों को चालू करने की योजनाएं चालू की। लगभग 10,000 उद्योग बंद थे, उनके लिए योजना लाई और उद्योग चालू हुए। उसके बाद में कुछ ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति आने वाली है, लेकिन शहने शहने ऐसा होने लगा कि उद्योगों के ऊपर से उनकी प्राथमिकताएं समाप्त हो गई। जबकि यह स्वयं सिद्ध है कि अगर रोज़गार बढ़ाना है तो उद्योग बढ़ाना ही होंगे। यदि हम उद्योग नहीं बढ़ाएंगे तो रोज़गार नहीं बढ़ सकते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किए कई साल से लगातार जी, और मध्य प्रदेश के बजट में कृषि को लेकर 65,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है, लेकिन 65,000 करोड़ रुपए लगाकर यदि हम कच्चा माल उत्पादन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए कितना बजट होना चाहिए। हमारी सरकार ने केवल 350 करोड़ रुपए का बजट उसकी प्रोसेसिंग के लिए रखा है। क्या यह उचित है? निश्चित रूप से यह एक उपेक्षित वातावरण बना है उद्योगों के प्रति। एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में सरकार ने मार्च तक में जो पैसा उद्योगों को सब्सिडी का देना था केवल 350 करोड़ के बजट में भी, वो सारा उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया, मतलब अभी वो बजट नहीं दिया जी। तो उद्योग कहीं से अपनी व्यवस्था करते हैं कि मुझे सब्सिडी का इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये लोन चुका दूंगा या मैं ये काम कर लूँगा, और वो समय पर अगर नहीं मिलता है तो वो उद्योग की कमर टूटती है और कहीं ना कहीं रोज़गार के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, खरगोन जिला जो है कॉटन की उत्पादन को लेकर के पूरे देश में चर्चित है। यहाँ का कॉटन जो है विदेशों तक में लोकप्रिय है, यहाँ की जो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन उसके बाद भी आपने जैसे बताया कि प्रोसेसिंग को लेकर हम बात करें, यहाँ से सिर्फ गठाने बन जाती हैं और चले जाते हैं। ना कोई यहाँ पे धागे का उद्योग है, ना कोई कपड़ा उद्योग है। क्या मानते हैं आप, अगर निमाड़ क्षेत्र में इन चीज़ों का विकास होता है? एक सिर्फ बुरहानपुर जो था वहाँ पर भी लगभग ख़त्म ही हो गया। कुछ लोग हैं जो घर पे लूम चला रहे हैं। तो सरकार इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाई या उसने कोई योजनाएं नहीं बनाई, किन चीज़ों का को कारण मानते हैं आप? क्योंकि यहाँ के कॉटन को जो बूम मिलना था वो आज तक नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से यह निमाड़ का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ पर हम कॉटन को उत्पादन करते हैं, लेकिन
हम यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं ला पाए। एक बार नई दुनिया अखबार ने मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछो जी, तो उसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि यदि निमाड़ कपास पैदा करता है, शिवराज जी सर जी, तो यहाँ पर उद्योग क्यों नहीं है? सारे उद्योग बुधनी और भोपाल के आसपास हैं, जबकि वहाँ कपास पैदा नहीं होता। तो इंडस्ट्री के लिए सही बात यह होती है कि जहाँ कच्चा माल पैदा हो वहाँ उद्योग होना चाहिए। उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह दिया था कि अब कोई उद्योगपति आएगा तो हम आपके क्षेत्र में भेज देंगे, लेकिन उस बात को भी 5 साल हो गए और अभी तक कोई उद्योग नहीं आ पाया है। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उद्योग मंत्री आदरणीय सकलेचा जी ने सनावत के फूड पार्क के उद्घाटन के समय टेक्सटाइल पार्क खरगोन में होगा इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक हमें कहीं कुछ भी उसका प्रारंभ होता हुआ नहीं दिख रहा है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे आपने बात करी कि उद्योग मंत्री ने कहा था प्रदेश के कि टेक्सटाइल पार्क जो है वो खरगोन को दिया जाएगा, लेकिन हम आज की तारीख में देखते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए अभी तक भूमि का जो ढूंढ मची हुई है, टेक्सटाइल पार्क के लिए भी यहाँ पे जमीन की ढूंढ मचती है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है। बुनियादी तौर पर अभी फ़िलहाल में ऐसी कौन सी व्यवस्था होना चाहिए जिससे हमारा जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, जो कॉटन उद्योग है, जो कृषक हैं, उनको काफ़ी सहयोग मिल पाए? जैसे कि ए ग्रेड यहाँ मंडी है, लेकिन उस मंडी में भी कई विषमताएं रही जिनको देखा गया। आप कॉटन उद्योग से काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हैं, स्वयं एक उद्योगपति है कॉटन इंडस्ट्रीज़ को लेके, तो क्या होना चाहिए वो बुनियादी सुविधाएं जिससे यहाँ के किसान को भी लाभ मिले और यहाँ के व्यापारी को भी लाभ मिले? उद्योग में कपास और मिर्ची और अभी हमारे यहाँ मक्का गेहूँ एक मुख्य फसल है, और कृषि उपज के अलावा हमारे यहाँ कोई फसल नहीं होती है। कपास के उद्योग के लिए जिनिंग के बाद में स्पिनिंग के बाद में हमको कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के बाद में उसको कलर करना है, उसकी प्रेस करना है और उसके जो प्रोसेस करना है, तो सारी इंडस्ट्री कटिंग साइजिंग बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज लगती हैं वो सब जो है टेक्सटाइल पार्क में आती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है कि देश में 7 मेगा पार्क बनाए जाएंगे, उसमें एक उन्होंने रतलाम में चयन किया था, लेकिन अभी जब भूमि पूजन हुआ है तो वो भूमि पूजन भैसला में हुआ है, जो माननीय भारी उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश दत्ती गांव जी का विधानसभा क्षेत्र है। रतलाम क्षेत्र का चयन इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर 8 लेन की जो रोड है वो दिल्ली मुंबई वाया सूरत जो एक्सप्रेसवे जा रहा है वो जाने वाला था, वहाँ पर एयर कार्गो की सुविधा होने वाली थी, वहाँ पर रेल लाइन की भी जो है ब्रॉडगेज और काफ़ी सुविधाएं होने वाली थी, और ये एक बड़ा सेंटर बनने वाला था। उस हिसाब से हमारे भी कई बार चर्चाओं में आया कि उत्पादन रतलाम में इतना नहीं होता जितना खरगोन में होता है, लेकिन रतलाम जितनी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा खरगोन में नहीं थी, और हम उद्योग के हित में उस मेगा पार्क को खरगोन के लिए बोलना भी हमने उचित नहीं समझा था, लेकिन मिनी टेक्सटाइल पार्क खरगोन में बनाया जा सकता है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट यह कर सकती है कि यहाँ पर मिनी टेक्सटाइल पार्क जिसके अंदर स्पिनिंग मिल और छोटी छोटी MSME की इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, और उसमें 70% जो है सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसकी योजना है, लेकिन इसको स्टेट गवर्नमेंट को योजना बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहिए, जो नहीं रखती है। क्या जिले से जो व्यापारी हैं, किसान हैं, इनकी तरफ से कोई प्रस्ताव शासन को गए हैं अभी तक, और गए हैं तो क्या हुआ उनका? जो मतलब हर किसी भी सेमिनार में या व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो पत्रों के द्वारा एसोसिएशंस में फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स खरगोन से हम पत्राचार नियमित करते हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम सरकार से,
और पर उसका कोई परिणाम आता नहीं है, न कभी जवाब आया है और न कोई मूवमेंट हुआ है। एक बड़ा क्षेत्र है, एक तरह से कहा जाए कि चांदी का उत्पादन यहाँ कपास के रूप में होता है, उसके बाद भी आपने कहा कि कई बार सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, तो क्या कारण, क्या आप क्या समझते हैं क्या कारण कि सरकार इस चीज़ को वरीयता में नहीं ले रही, जबकि पूरे देश में ये प्रसिद्ध है कि निमाड़ में कॉटन किस हद तक और किस क्वालिटी का शानदार कॉटन पैदा होता है। शासन उत्पादन को, फसलों को संरक्षण देने की बात कर रही है, हर जिले की एक फसल बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण है कि इतने अनुनय निवेदन के बाद भी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही, क्या आप क्या चीज़ समझ रहे हैं? हो सकता है हमारी कमी हो कि हम सरकार का जगा नहीं पा रहे हैं, या सरकार ज़्यादा गहरी नींद में हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन भोपाल से इंदौर की दूरी 400 किलोमीटर है, वहाँ से यहाँ आने में बहुत समय लगता है, न नेता आ पाते हैं न अधिकारी आ पाते हैं, योजना बनाने वाले तो आते ही नहीं, और हम जो भेजते हैं उनको निरर्थक लगता होगा यहाँ की जनता कि उनको चिंता नहीं है। इसीलिए यहाँ से बीजेपी अपनी सीटें नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि उनका दृष्टिकोण यहाँ पर है ही नहीं। औद्योगिक विकास निमाड़ में क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण रहे, क्या सरकार की उदासीनता रही या स्थानीय लोगों के प्रयासों में कमी रही, इन चीज़ों को लेकर अभी हमने वरिष्ठ उद्योगपति कैलाश अग्रवाल जी से बात करी। कैलाश जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, स्वर्गीय सुभाष यादव के समकालीन रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम उनसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति और इस औद्योगिक विकास न हो पाने को लेकर कांग्रेस कितनी जिम्मेदार रही भाजपा के साथ साथ, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का नेताजी हाजिर हो कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं निमाड़ क्षेत्र के औद्योगिक विकास को लेकर। हमारे साथ इस समय चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ उद्योगपति कैलाश अग्रवाल। कैलाश जी, आपका एक बार पुनः स्टूडियो में स्वागत है। जैसे कि आपने बताया कि निमाड़ क्षेत्र में, विशेषकर खरगोन जिले में, जो औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, जो उद्योगों की आधारशिला नहीं डल पाई, काफ़ी कुछ पोटेंशियल होने के बाद भी क्षेत्र को वो जो मिलना चाहिए था औद्योगिक विकास में, वो नहीं मिल पाया, उसके क्या कारण रहे ये भी आपने बताया। आज हम किसानों की जो स्थिति देख रहे हैं, किसान इन विकास को लेकर के जो उसको सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, उसका कारण यही रहा कि उद्योगों का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उद्योग अगर विकास होता यहीं पे वो कंपनियां खरीदती और उनको अच्छे मोल मिल पाते, दाम मिल पाते। इसके लिए सीधे सीधे वो जिम्मेदार अगर किसान ठहराता है या तो सरकार को या उद्योगपतियों को। खरगोन में इतनी बड़ी एक कॉटन की मंडी है, शायद एशिया में उसका नंबर आता है, भारत की तो A+ मंडी है वो। मैंने आपसे बात करी थी कि उस मंडी में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक नहीं मिल पा रही किसानों को, पर स्थानीय स्तर पे भी जो है कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, क्या इसको लेकर के भी आप जो व्यापारी वर्ग है उसने कोई प्रशासन से बात करी या शासन से बात करी, और वो कौन सी सुविधाएं हैं जो यहाँ पे होना चाहिए? देखिए, मंडी कंपाउंड का जहाँ तक प्रश्न है, काफ़ी सुविधाएं हैं। हमारी जो कपास की मंडी है वह टफ की योजना के अंतर्गत केंद्र शासन के द्वारा वित्त पोषित है, और उसमें काफ़ी सुविधाएं हैं। जो तत्कालिक कम सुविधाएं होती हैं वो स्थानीय प्रशासन और वो व्यापारी और किसान मिलके आपस में उसको दूर कर सकते हैं, ऐसी नहीं होती। नहीं, कि उसके लिए छोटी समस्याओं की बात कर रहा हूँ, जैसे पेयजल को लेकर है। हाँ, तो ये भोजन को सामयिक होती हैं ये, मतलब काफ़ी कुछ मतलब व्यवस्थाएं कर रखी हैं, और इतनी कोई गंभीर समस्या कंपाउंड को लेकर नहीं है। लेकिन ये एक बात जरूर है कि निमाड़ में कपास पैदा होता है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में
निमाड़ में ही होता है और यहाँ की जिनिंगें बंद हो रही हैं, स्पिनिंग लग नहीं रही हैं और इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है कि ये बंद क्यों हो रही हैं। सेंधवा से जो कारखाने उठ के देश के अन्य राज्यों में चले गए हैं, प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और यहाँ तक कि उड़ीसा में दो चार कारखाने उड़ीसा में भी गए, तो ये स्थिति ऐसा नहीं है। एक तो कच्चा माल की हमारे यहाँ उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, यानी किसान के पास में प्रति हेक्टर यील्ड जिसको कहते हैं उत्पादन, वह नहीं बढ़ रहा है। उसके लिए सरकार को जो टेक्निकल सपोर्ट किसानों को देना चाहिए, जो ट्रेनिंग देना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है। और उसी दिशा में हमारी ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो रही है, क्योंकि हम फसल चक्र नहीं वापर रहे हैं और ये सब चीज़ें सरकार को हमारे क्षेत्र में करवाना चाहिए। अगर नहीं करवा पा रही है, इसीलिए हम कहीं ना कहीं उत्पादन में घट रहे हैं और हमारे यहाँ का कच्चा माल, इंडस्ट्री बंद हो रही है, तो कच्चा माल जो है वो प्रदेश के दूसरे प्रदेश में जा रहा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सीधा सीधा उदाहरण ये है कि खरगोन प्रॉपर में 6 लाख गठान का उत्पादन 4 साल पहले था, उसके बाद में वो 4-4.5 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ और इस साल वो केवल 2.25 लाख गठान का उत्पादन है। तो ये उत्पादन अगर आप कृषि विभाग से आंकड़े लेंगे तो कृषि विभाग ये कहेगा कि 2 लाख हेक्टर से ऊपर में हमारे यहाँ स्वयं हुई है। 4 साल पहले भी 2 लाख में हुई थी और अभी भी 2 लाख में हुई है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ उत्पादन जो यील्ड का फर्क है उतना ही आएगा, लेकिन उत्पादन में ये जो फर्क आ रहा है, ये सारा माल यहाँ से प्रदेश के अन्य प्रदेशों में चला गया है। कारण मंडी टैक्स, एक रुपये 70 पैसे मंडी टैक्स हमारे यहाँ लगता है और आसपास 25 पैसे 50 पैसे सैकड़ा मंडी टैक्स है। तो मंडी टैक्स को क्यों स्थिर रखना चाहती है सरकार, यह हमारी समझ में नहीं आता। बार बार सरकार से निवेदन भी किया, मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से सबसे मुलाकात भी की, लेकिन वो क्यों जीत पे हैं ये जानकारी नहीं है। अगर वो ये कर देंगे तो इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गुजरात में या महाराष्ट्र में इंडस्ट्री डालता हूँ, यदि मैं वहाँ खाली जानकारी दे दूँ कि मेरे को यहाँ इंडस्ट्री डालना है तो वो मेरे घर पे आ जाएं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, अगर मैं जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे मेरे को इंडस्ट्री डालना है तो मुझे कोई सपोर्ट यहाँ पर मिलता नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात आपने बताई है कि मध्य प्रदेश सरकार जो एक कृषि कर्मण पुरस्कार भी कई साल सरकार ने लिया है, उसके बावजूद कॉटन जैसे उत्पादन को लेकर के वो गंभीर नहीं है। ना किसानों को प्रशिक्षण मिल रहा है, ना उद्योगपतियों को वो मदद मिल रही जो अन्य प्रदेश बाहें फैलाए उद्योगपतियों का रास्ता देख रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और उनको सुविधाएं दे रहे हैं। ये बातें तो हुई औद्योगिक विकास को लेकर और उसमें जो कमियां किस क्षेत्र में आ रही हैं उसको लेकर के चर्चा करी। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, काफ़ी लंबा राजनीतिक जीवन रहा है आपको, आपका आगामी विधानसभा चुनाव में ये जो समस्याएं हैं, ये जो मुद्दे हैं, ये कितने हद तक चुनाव को प्रभावित करते हैं, क्या समझते हैं? देखिए निमाड़ में तो क्योंकि जैसा आपने बताया उद्योगों से जुड़ा रोजगार का मुद्दा है, किसानों की समस्या है जी, ये निश्चित रूप से यहाँ पर नेतृत्व की शून्यता है। निमाड़ में शासकीय जो सरकार के नेतृत्व है यहाँ, वो शून्यता है। यहाँ पर न कोई मंत्री है, न कोई विधायक है, सभी कांग्रेस से हैं और इसी कारण से हो सकता है कि वे उपेक्षित रख रहे हों। और जनता भी आज भी कांग्रेस विपक्ष में है, उसके बावजूद भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है और यहाँ कहीं पर भी प्रदेश में अन्य औद्योगिक मीटिंग में मैं गया हूँ तो कांग्रेस के संभावनाएं बहुत अधिक दिख रही हैं। मतलब
ये जो कमियां हैं ये एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान को लेके जाएगी। अब हम बात करते हैं खरगोन जिले की 6 सीटें, एक विधायक आपके भाजपा में चले गए हैं लेकिन अभी वो अधिकृत रूप से तो कांग्रेस के ही हैं, और एक विधायक निर्दलीय लड़े थे जो कांग्रेस के पूर्व स्वर्गीय नेता डावर जी के पुत्र हैं। बची 4 सीटें, तो किस दम पे कांग्रेस फिर से 6 सीटों पे कब्जे की बात कर रही है, जबकि एक विधायक निर्दलीय हैं, उन्होंने अभी कोई घोषणा नहीं की है कि वो कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे और एक भाजपा में जा चुके हैं। नहीं, दम जनता का होता है, दम नेता का नहीं होता, और जनता यदि वर्तमान शासन से कोई नेतृत्व महसूस नहीं कर रही है तो वो अपना नेतृत्व कांग्रेस में ही ढूंढेगी, और अगर कांग्रेस में ढूंढेगी तो कांग्रेस फिर आएगी। एक उद्योगपति हैं आप और आर्थिक जो मामले उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आप। आम आदमी पार्टी जिस समय आई थी दिल्ली में, उन्होंने जो फ्री सेवाएं जनता को देना प्रोवाइड करना शुरू किया था, कांग्रेस भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसका विरोध करा कि ये फ्री वाला काम करके जीत रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्रदेश पे आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ये होगा। लेकिन आज कांग्रेस और भाजपा दोनों उसी राह पे चल निकले, तो ये परिस्थितियाँ किसी भी प्रदेश के जो आर्थिक व्यवहार है, आर्थिक स्थिति है, उस पर उसके लिए कितना घातक है, और कितना क्या ये संभव है कि इस प्रकार की घोषणाएं करके वो प्रदेश को सामान्य स्थिति में आर्थिक रूप से ला सकें। देखिए, जो आर्थिक सीधी सी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये किस हद तक सही है इस प्रकार की घोषणा है? मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बहुत नीचे के लोग हैं जी, आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? यानी यदि आपने 2 रुपए में उनको अनाज दिया तो अगर उनको मजदूरी नहीं मिली या कम मिली जी, तो कम से कम में उन्हें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यह उनके जीवन स्तर को बहुत ऊंचा उठाने वाली स्थिति नहीं है जी। लेकिन यदि वो देश के नागरिक हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं जो शासन है उसका सहयोग मिलना चाहिए। इसके पहले यदि हम पुराने समय में हमारा संस्कृति का देखें तो जो व्यापार उद्योगपति जनता भी ऐसे लोगों के लिए अपने लंगर भोजनालय, उनके लिए रेन बसेरा, यानी हर तरह की सुविधाओं को करते थे, और आज वो ट्रेंड नहीं है। देखिए, जहाँ तक खाद्य समस्याएं हैं या उसकी पारिवारिक स्थिति, आवास की स्थिति है, वहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि उसको एक सहयोग दिया जाए, एक सब्सिडी दी जाए। लेकिन कांग्रेस ने अभी नारी सम्मान योजना शुरू की है, 1500 रुपये उस महिला को जो 18 साल की हो चुकी है सभी को देंगे। अब ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनके घर की महिला को भी 1500 मिलेंगे और एक गांव में गरीब मजदूर है उसको भी 1500 मिलेंगे। नारी सम्मान हम पहले उसके सामाजिक बराबरी, उसके शैक्षणिक उत्थान, उसके प्रति सम्मान का नज़रिया, इसको लेकर देखते थे। लेकिन आज हम 1500 रुपये में नारी सम्मान, हमने नारी सम्मान के लिए 1500 की राशि घोषित कर दी। देखिए, ये एक तरह से हम उस वर्ग के लिए अच्छा मान सकते हैं, ये डिबेट के विषय है, व्यक्ति है, लेकिन हम उस क्रीमी लेयर को भी ये दे रहे हैं, उसको भी हम उसके लिए उपयुक्त बना रहे हैं। आप कहाँ तक सही है? ये चाहे घोषणा में हमने ये करा भी हो जी, लेकिन जैसे गैस की सब्सिडी है जी, गैस की सब्सिडी छोड़ी खरगोन के अंदर सबसे पहले जब राजेंद्र जी यादव ने एक मीटिंग रखी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने कहा गैस की सब्सिडी छोड़ना है, तो उस मीटिंग में जो 75-80 लोग थे वो सब ने फॉर्म भर के और सब्सिडी छोड़ी। तो हम जो योजना मतलब चला रहे हैं उसके अंदर आप क्रीमी लेयर 1500 रुपये लेगा ही, यह आप क्यों मान रहे हैं? अभी आदरणीय कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपये की जो घोषणा की थी,
तो मेरे पास भी फोन आया था, परंतु मैं अगर वो सब्सिडी लेता हूँ तो मैं अन्याय करता हूँ। तो मैंने मेरे साथ में जितने भी परिचित थे जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते थे उन्होंने नहीं ली, और जिनको आवश्यकता थी उन्होंने ली। तो ये क्या होगा कि अगर स्वयं से हम छोड़ते हैं, आम जनता की सोच का विषय आएगा, पर सरकार जितनी भी कोशिश करती है वो नीचे के तबके की उन्नति के लिए प्रयास करती है। और जो अभी घोषणा की गई है इसमें दो चीज़ों का ये होता है कि पहले अगर हम ये कह दें कि हम उनकी फ़ीस भरेंगे, या हमने इसके पहले जो इंदौर में जो घटना हुई थी कि भाई महिलाओं के लिए 600 रुपये जो देते थे और उसके अंदर फर्जी बहुत सारे निकले, तो उसके बजाय उनके खाते में अगर जाते हैं तो ये चीज़ें कम होगी। और जो छोड़ेंगे उनके लिए फार्म रहेंगे, आप अपना छोड़ दीजिए। कैलाश जी, आपके व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन से जुड़ा एक प्रश्न है। तकरीबन मैं समझता हूँ कि आप 35-40 साल से राजनीति में सीधे जुड़े हुए हैं और कई बड़े नेताओं से आपके सीधे संपर्क रहे हैं, आप उनके साथ में आपने लंबे समय तक कार्य किया है। क्या कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि मैं भी विधायक का चुनाव लड़ूं या सांसद का चुनाव? चुनाव तो मैंने कॉलेज समय में लड़े थे जी, और उसके बाद में एक अवसर ऐसा आया भी था, आदरणीय सुभाष भाई ने कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं रही उस समय में कि मैं चुनाव के दिशा में जाऊं। मुझे मेरे परिवार को देखना था और उसके बाद में फिर इधर आना नहीं हुआ। तो फिर आप उद्योग से जुड़ गए, उसके बाद फिर आप इधर नहीं जी। जाते आते अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आगामी विधानसभा चुनाव, वैसे अभी परिस्थितियाँ और बदलेगी, दोनों पार्टियों के जो स्टार प्रचारक है वो आएंगे, बयान देंगे, कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा होगी, उसके बाद राजनीतिक समीकरण बनेंगे, मतदाताओं को रिझाया जाएगा, मतदाताओं को खींचा खींचने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव की स्थिति क्या होगी? निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में, मतलब वर्तमान में कांग्रेस का उज्ज्वल भविष्य है जी, और जितने भी स्टेशंस में मैंने विजिट किया है तो एक बात बहुत स्पष्ट सामने आ रही है कि कांग्रेस की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। आज हमारे साथ चर्चा में उपस्थित थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ उद्योगपति कैलाश अग्रवाल। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये चीज़ें बताई कि मध्य प्रदेश में या निमाड़ क्षेत्र में हम कहें तो औद्योगिक विकास को लेकर क्या कमियाँ रह गई। कॉटन, मिर्च, सोयाबीन यहाँ के प्रमुख उत्पादन है और इन उत्पादनों को लेकर स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन इकाइयाँ लगाई जा सकती हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं लग पाई। इन मुद्दों का चुनाव पर कितना गहरा असर होगा यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि उन उद्योगों से ही रोजगार जुड़े हुए हैं और रोजगारों का सृजन भी उद्योगों से ही होता है। निमाड़ के विकास को लेकर आगे भी चर्चा होती रहेगी। कैलाश जी, आप स्टूडियो में पधारे, चर्चा में हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए HW24 न्यूज मध्य प्रदेश। नेताजी हाजिरो, नेताजी हाजिरो, नेताजी।